आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से पवित्र गंगा नदी को निर्मल बनाने का संकल्प लिया है। गंगा जी का सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इस कार्यक्रम में हमारी जिम्मेदारी भी अधिक है। राज्य सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम को पूरी प्रतिबद्धता से लागू किया है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रयागराज कुंभ 2019 में श्रद्धालुओं को गंगा जी का स्वच्छ, निर्मल और अविरल जल प्राप्त हुआ। विभिन्न सरकारी प्रयासों एवं गतिविधियों को एकीकृत करते हुए यह कार्यक्रम प्रदूषण उन्मूलन, गंगा नदी का संरक्षण एवं कायाकल्प, पेपर मिलों के उत्प्रवाह को शून्य करने, ट्रेनरियों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने जैसी उपलब्धियों के रूप में परिलक्षित हो रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम की सफलता के लिए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर था। कानपुर के जाजमोह पर गंगा जी में 3 वर्ष पहले जलीय जीव समाप्त हो गए थे। नमामि गंगे परियोजना के प्रभावी संचालन से अब जाजमोह पर गंगा जी में जलीय जीव देखे जा सकते हैं। काशी में गंगा नदी में डॉल्फिन फिर से तैर रही हैं। जल का महत्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसे ध्यान में रखकर मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि जल संरक्षण को अपनाइए, इसे बढ़ावा दीजिए, हर वह उपाय लागू करिए जिससे जल का संरक्षण हो। ऐसा करके ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्रकृति के इस अनमोल उपहार की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर सकेंगे। जय। That was Yogi Adi.